अस्सलाम वालेकुम। सो आप उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ। और हमने हमारे गांव में एंट्री कर तो धक्का मत एंट्री कर ली है। पेड़ी मेरे ऊपर आ देना। अच्छा हमने हमारे गांव में यार मत कर ऐसा, वो उसके पैर वो उड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और हम लोग पहुँच गए हमारे नानी के घर। नानी के घर पहुँच तो गए, लेकिन फ़िलहाल बहुत सारा सब यहाँ पर चेंज हो चुका है, क्योंकि 10 से 12 साल हो गए। तो अच्छा, ये नानी का घर है जो ये आपको हम बता रही हूँ। ये वाला कमरा पहले नानी का था, अभी उनके यानी हमारे मामू के लड़के को दे दिया है। और ये रहा, यहाँ से ये रास्ता है। बहुत सारा चेंज हो गया है। खैर मैं शादी में नहीं आई थी तो मुझे नहीं मालूम था, और जो हमारे बचपन का जैसा था वो शायद अभी नहीं है। फ़िलहाल बदल गया, बहुत सारा चेंज हो गया। और अच्छा हम लोग आ गए हैं आकर। हम लोगों ने बहुत थक गए थे। मैंने अभी एंट्री नहीं बताई गाँव की, वो एंट्री को मैं बाहर से बताऊँगी इंशाल्लाह। नहीं तुम्हें ही दिखा रही हूँ। अच्छा मेरी खाला कह रही है, अरे किसको दिखा रही है? मैं कह रही हूँ नहीं। तो भाई क्या कहते हैं, वीडियो के लिए बहुत सारे कमेंट आ गए कि आप जल्दी से पहुँच जाओ। तो पहले वीडियो आपके गांव के शेयर कर दो। तो पहले मैंने हम लोगों ने नाश्ता करा, हमारी खाला ने यहाँ के फेमस समोसे और कचौरी वगैरह सब मंगा कर नाश्ता बहुत सारा रखा था और खाना वगैरह बनाया था। खैर माशाल्लाह से बहुत अच्छा उन्होंने इंतज़ाम कर रखा था। और यहाँ पर बहुत लाइट जाती है तो उसके लिए भी उन्होंने बेचारी ने बहुत इंतज़ाम करा है कि भाई बच्चों के परेशानी नहीं हो। तो उन्होंने आज ही हैं उनके लाइट को कनेक्ट करवाया है, यानी जनरेटर वगैरह से। तो उन्होंने जनरेटर लगाया है आज के आज ही, इंतज़ाम कर लिया है लाइट का। और खैर माशाल्लाह से उनका दिल से शुक्रिया हमारे खाला का कि भाई उन्होंने इतना करवाया। और चाहिए पहले सब कच्चा हुआ था, यानी सब यहाँ पर आंगन वगैरह थे। और अबरीश को देखे, जिस टाइम से ये आया है ना 1 बजे से, ये बंदे ने भाई ना बैठने का, जब से आया है जब से ये बिल्कुल बैठा नहीं है। अच्छा इतनी तेज़ धूप हो रही है, आप देखिए मेरी तो बिल्कुल व्लॉगिंग बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और देखिए अबरीश को देखिए, बस हाँ पत्थर ही दिखा रही हूँ कि इसके पत्थर देखो, इसकी शैतानी से इसके नाना का नानी का सबका कॉल पे कॉल आ रहे हैं कि भाई इसको धूप नहीं लग जाए, लेकिन ये बच्चा अंदर बैठने को तैयार नहीं है। जिसके लिए लाइट लगाई वही धूप में फिर रहा है। देखिए उसने बहुत मस्ती कर रखी है, मस्ती कर रही है बहुत। अच्छा ये अबरीश के लिए ही हम लोग आए थे कि इसके देखो इसकी मस्ती देखो, ये तो बहुत खुश है ना, इसको दूध पीने की फुर्सत है। बस ये कह रहा है दरवाज़ा खोलो और मैं मस्ती करूँ। अच्छा इनके वहाँ पढ़ने भी आते हैं बच्चे, और ये यहाँ तो क्या फ्री में ही पढ़ाते हैं। हमारे बच्चों को लग रही है नवाई कि भाई ये लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुरान शरीफ हमेशा फ्री में ही पढ़ाते थे पहले के लोग। और आपको मैं घर बताऊंगी कैसा है। देखिए अच्छा ये किचन अंदर है, लेकिन बहुत सारे मेहमान होने की वजह से खाला ने यहाँ हमारे ले लिया है किचन को बाहर, कि माशाल्लाह से 25 से 30 जने हो। क्योंकि जो यहाँ पर दूसरी खाला के बच्चे हैं वो जयपुर वगैरह में रहते हैं, वो भी आएंगे, तो इसलिए उन्होंने किचन को ले लिया बाहर। वहाँ अंदर छोटा सा है,
और ये हमारे मामों की बहू का कमरा है और ये हमारी मामानी का है। देखिए माशाल्लाह बच्चे भी कितने अच्छे पढ़ रहे हैं। वो उसे पढ़ा भी रही है और जो बहुत तेज धूप हो रही है बस उसको देख, हाँ वही देख रही हूँ भाई, उसको ही देख रहे हैं। उस देखिए उसके ब्रिज की शैतान, अच्छा वो कमरे में जो जनरेटर लगा वहाँ एक ही रूम में ही लाइट आएगी तो सब वहीं बैठे हुए हैं। और अब्रिज को देखिए साफ पहले पोछा लगा, इसको दो तीन दफ़ा नहला दिया लेकिन ये हर वक्त जा रहा है मट्टी में होकर आ जाता है। अब हम लोगों से जैसे नहला नहला के इतना बीमार तो नहीं करेंगे, अब इसे मस्ती खूब कर लेना देना है और फिर इसे एक दफ़ा रात को सोने से पहले से अच्छे से नहला धुलाते ही सुलाएंगे इसको। इसकी मस्ती देखो, इसका दिल खुश हो गया है कि बस मैं यहाँ आके शैतानी जो करना चाहता था। अच्छा हमारी मेरी खाला भी कह रही है कि भाई उसे ही दिखा कि देखो कितना खुश है वो, तो माशाल्लाह से खुश तो है वो। अच्छा जो खाला भांजों की अच्छा यहाँ पर बकरा बकरी भी है और भैंस वगैरह जो है वो भी है। और अच्छा फूल खाला जो है वो अब्रीज के साथ खुद ही खेल रही है क्योंकि उसको उनको ध्यान भी रख रहे हैं और हम तो थक गए। अब्रीज को खूब घूमने का शौक है तो उन्होंने बोला मैं इसे देखो देखो वो खुद उनको ही भगा रहा है। खूब ब मस्ती चल रही है अब्रीज की। अब्रीज देखिए हाँ देख रही हूँ ना मैं, इसकी मस्ती शुरू हो गई ना। अच्छा बच्चे देखो वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं, उनको बकरा बकरी की नवाई लग रही तो वो लोग वहाँ पहुँच गए। सब मेरी अम्मी का पूछ रहे हैं और सब हमारे भी दो बच्चे, हमारे को कोई पूछ नहीं था, हमारे दो बच्चे एक में आए हैं। अच्छा सब आकर मेरी अम्मी का पूछ रहे हैं कि भाई अम्मी नहीं आई, तो उसका ही जवाब दे रहे हैं कि भाई अम्मी नहीं, अम्मी की बच्ची आई हैं आपके।
और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मम्मी नहीं आई हैं, तो वो पूछ रहे अपनी भाषा में, खैर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तो हम तो आ गए, मैं तो आ गई हूँ वहाँ से। और अभी हम जाएंगे, मामू आए थे तो उनसे बात की कि भाई खेतों पर जाएंगे, तो अभी तो हम नहा लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी देखने जाएंगे, और कल हम वहाँ जाकर ही, मामू वाला सुबह में जल्दी आ जाना, तो खेतों पर जाएंगे, फिर वहाँ की व्लॉगिंग करूँगी, आप लोगों को वो वीडियो बताऊँगी। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये सब जितनी भी सामने की जगह, ये भी मेरे मामू की है, और जो ये नल वगैरह दिख रहे हैं ये भी मामू की, ये नानी का घर है, और वो जो बता रही हूँ अम्मी के मामू का घर है, इतना सिर्फ अम्मी का यहाँ का है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये माशाल्लाह कितना बड़ा है ये भी, और खेत वगैरह हैं, वो सुबह में बताऊँगी आप लोगों को। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़। और आरिज और क्या नाम है नियाज अली, तो ऐसा लग रहा है खाली बच्चों बकरा बकरे कोई देखने आ रहा है, वहीं जाकर खड़े हो चुके हैं ये लोग, इनको कुछ दूसरा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा आप लोग भाई मेरे चैनल किसको उठा लो, अभी खा रहा है।